दोस्तों, यूडीसीआर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे आपके साउथ अफ्रीका ओमेन और न्यूजीलैंड ओमेन के बीच में खेले जाने वाला जो आपका नेक्स्ट साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ओमेन का नेक्स्ट थर्ड ओडीआई मैच है। दोस्तों कितना थर्ड ओडीआई मैच उस मैच के बारे में, तो कौन से वो 11 प्लेयर्स होंगे दोस्तों जिनकी ज़रूरत है हमें अपनी टीम में ताकि हम एक तरफा क्लीन स्वीप कर पाए, उसके बारे में आपको बताएंगे दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले एक बार आपको हमारे टीम्स की विनिंग्स एक बार जल्दी से दिखा देते हैं दोस्तों। चलिए हमारे टीम्स कितना विन करे ये देखिए। पहले तो आपको ग्रैंड लीग के रैंक्स एक बार दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे ग्रैंड लीग के रैंक कितने आई, 46 दोस्तों। इसमें कितने आई दोस्तों आपके सामने है जो अभी 87 हमारे ग्रैंड लीग के रैंक से दोस्तों। दो हेड टू हेड हमने ज्वाइन किए थे, इसमें भी हमारी रैंक कितनी है दोस्तों, 1-1 इन विनिंग जोन हम दोनों में। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, हर एक मैच की फाइनल टीम एक से बढ़कर एक टीम हम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाए दोस्तों। ये देखिए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इसमें हमारे टीम के परफॉर्मेंस देखिए दोस्तों। गिल हमारे कैप्टन थे दोस्तों, हमारे टीम में वार्नर गायकवाड़ जैसे जिनको किसी ने नहीं, गायकवाड़ को दोस्तों किसी भी हमारे ओपोनेंट ने लिया नहीं है दोस्तों, और हमने एक तरफा विन किया। ये देखिए हमारे टीम्स जो हमने आपको प्रोवाइड की उसके पॉइंट्स के डिफरेंसेस देखिए दोस्तों कितने हैं दोस्तों, 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से हम एक तरफा विन कर रहे हैं दोस्तों। आपके सामने है जो भी 100 से भी ज़्यादा पॉइंट के डिफरेंस से विन करें। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एशिया कप में भी हमारे टीम ने कहर मचा के रख दिया दोस्तों। चलिए एशिया कप की टीम्स भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों एशिया कप के परफॉर्मेंस हमने एक साथ आपके साथ शेयर किया सारे मैच के। ये देखिए मोहम्मद सिराज हमारे फाइनल में कैप्टन थे दोस्तों। सभी एक्सपर्ट्स का दावा था ये स्पिनर्स का ग्राउंड है, पर हमारा क्या दावा था हमने पहले ही बता दिया दोस्तों। हमारा दावा था ये आपके फास्ट बॉलर्स का ग्राउंड, इसलिए हमारी पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है दोस्तों, किसी और के पिच रिपोर्ट को आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम पिच रिपोर्ट को ही आपको फॉलो करना है। वो आपको कहाँ मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही दोस्तों। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हमारे आज हमारे कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए इस मैच में भी दोस्तों हमको अपडेट मिल चुका था कि तंदिन साक के मुस्तफिजुर रहमान और नसून अहमद ये तीन प्लेयर्स अच्छा करेंगे दोस्तों, ये हमें मालूम पड़ गया था मैच से पहले। उसके अकॉर्डिंग हमने टीम बनाकर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारे टीम है जो आपके सामने। कितने पॉइंट्स हैं हमारे दोस्तों, 1000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स दोस्तों। एक और मैच देखते, ये देखिए इसमें हमारे कैप्टन इफ्तिकार अहमद है दोस्तों। हमें इस मैच में इफ्तिकार अहमद का न्यूज़ मिला था कि ये अच्छा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको कैप्टन बना दिया था, तो इसलिए हमने एक तरफा विन किया। इसमें देखिए कुलदीप यादव हमारे कैप्टन और वालेंगे हमारे वाइस कैप्टन थे दोस्तों। ये देखिए 974 पॉइंट्स दोस्तों। तो कुछ इस तरह से अगर आपको भी जीतना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे चैनल को फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों। सेकेंडली आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर हम फाइनल टीम प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, है ना। तो चलिए अभी बात करते हैं इस मैच की। तो लास्ट के दो ये जो मैच है ये इन दोनों के बीच में थर्ड ओडीआई का मैच है दोस्तों। पहले भी दो ओडीआई मैचेस हो चुके हैं दोस्तों, उसका एक बार आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पहला जो ओडीआई था वो साउथ अफ्रीका ओमेन 4 विकेट से जीती थी, और सेकेंड जो आपका ओडीआई था वो भी साउथ अफ्रीका ओमेन ने 7 विकेट से जीता था दोस्तों। इसका मतलब क्या, साउथ अफ्रीका वुमेंस की टीम का पड़ा भारी है अगर न्यूजीलैंड की वुमेन के से हम कंपेयर करें दोस्तों। ये मैच में जीतने के चांसेस ज़्यादा है आपके साउथ अफ्रीका वुमेन, सब लोग बोलेंगे, पर ये मैच न्यूजीलैंड की टीम ही जीतेगी दोस्तों। ये चीज़ें याद रखना, कौन, न्यूजीलैंड ही ये मैच जीतेगी दोस्तों, ये मैं श्योर हूँ। साउथ अफ्रीका ये मैच जीतेगी नहीं,
तो पहले बात करते हैं मैच की। सबसे पहले मैच पर चलेंगे, क्रिकेट टीम पर जाएंगे। कहा है? और पहले हम फिल्टर लगाएंगे दोस्तों साउथ अफ्रीका के ऊपर। तो ऐसे अगर बात करें तो लास्ट के गेम में कौन अच्छा करे वो एक बार देखा जाएगा दोस्तों। देखिए साउथ अफ्रीका वुमेंस की टीम से ओपनिंग कौन करे, लॉरा ओलबर्ट जिन्होंने 100 बनाए लास्ट के गेम में, तमिना ब्रिस के साथ, फिर लॉरा गॉडल, फिर सैन लूथ और मार्जना कैप। अगर इनके बात करें बॉलिंग की, बॉलिंग से मार्जना कैप ने 8-10 ओवर किया, खाखा ने 10 ओवर किया, बाकी क्लास ने 8 ओवर किया, 8 ओवर में 2 विकेट। बाकी यहाँ से एंडी क्लार्क ने 9 ओवर में 3 विकेट, मलावा ने 10 में 3 और यहाँ से टायरन ने 3 में 21 रन दिए दोस्तों। बाकी अगर अपने टीम की बात करें और अपने टीम के टीम में जिनकी जगह बनेगी उनकी अगर बात करें ना, सबसे पहले तो यहाँ से अपने टीम में आएंगे दोस्तों उल्वरेट, उसके बाद एसलूस और एक हम कहते लेते उल्वरेट एसलूस, यहाँ से मर्जना के एंडी क्लार्क, ये चार प्लेयर्स मेरे टीम में पक्का होगा। हालांकि एंडी क्लार्क की बैटिंग आई नहीं पर इस मैच में आ जाएगी दोस्तों आराम से। मर्जना ये आ चुकी है, एंडी क्लार्क भी आ चुकी है, यहाँ से मलावा और क्लास, तो मलावा और क्लास दोनों को लिया जाएगा। एक काम वैसे क्लास को तो अपनी टीम में जरूर रखें, दोनों ही मैच में अच्छा किया था इन्होंने, ये तो मलावा। तो ये छः प्लेयर्स अपने टर्न क्या कर रहे हैं, ये छः प्लेयर्स अपने टीम में इंपॉर्टेंट है। आप इन छः प्लेयर्स का एक बार प्रीव्यू देखिए, देख लिया तो बाकी अगर मुझे किसी को अपनी टीम में रखना है वो कौन होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अगर डायरेक्टली बात करते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम की, ऐसे विकेट कीपिंग सेक्शन आई गए से ज़्यादा बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं, डायरेक्टली इनको आपको टीम में रख लेना है। बैटिंग सेक्शन से मैडी ग्रीन, समंथा वेट्स, हेलिडे और पापर चारों खेलेंगे। ऑलराउंडर से आपके एम एल देना खे मिलने के हैं, सोफे डिवाइन खेलेंगे। बॉलिंग सेक्शन से एच रोई, लाहू खेलेंगे, जेस केयर और एडी कार्सन दोस्त। मेरे टीम की बात करें एच रोई होंगे, यहाँ से एल मनीला खैर, यहाँ से आपके सोफी डिवाइन, मेडी ग्रीन, तो यही मेरी टीम होगी दोस्तों कुछ इस तरह से। बाकी मुझे इसमें अगर कुछ चेंज करना है मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर करना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। सी और वी सी की बात कर लेते हैं, सबसे पहले मेरे जो कैप्टन होंगे सब लोग एंडी क्लार्क को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, इसका रीज़न भी दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा कर रहा है बैटिंग और बॉलिंग दोनों से। इनको बनाएंगे अपना कैप्टन वाइस कैप्टन, मैं एमेलिना खेर को बनाऊंगा, शायद मैं वाइस कैप्टन चेंज कर सके, मर्जना कैप को बना सकता। अगर मैं मर्जना कैप को अपना वाइस कैप्टन बनाता हूँ वो मैं आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। बाकी ग्रैंड लेग भी आपको सोफी डिवाइन को सी कैप्टन बनाना है, यहाँ से मेडी ग्रीन को आपको कैप्टन बनाना है ग्रैंड लीग में, यहाँ से एच रोय को अपना कैप्टन बनाना है ग्रैंड लीग में दोस्तों। ये तीन प्लेयर्स को कैप्टन बनाना है, कौन से तीन प्लेयर्स है मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेडी ग्रीन, सोफी डिपाइन, एच रोई, इन तीनों को आपको ग्रैंड लीग में सी और वी से ट्राई करना है, क्योंकि आज न्यूजीलैंड की टीम आराम से मैच जीत जाएगी, तो इन तीनों का आपको सी और वी से जरूर ट्राई करना है। बाकी अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।